तो गाइस अगर आप सब भी एक बर्ड्स को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बेस्ट एयर बर्ड्स जो कि है एमरेंस का न्यू बर्ड्स 29 दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम इसका फुल रिव्यू करने वाले, साथ में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो जल्दी से इसका फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस ये है इसका बॉक्स की पैकिंग और इसका ये फ्रंट लुक दोस्तों। और मेरे पास जो है ये फ्रंट में व्हाइट कलर का शो हो रहा है। और इसका जो बॉक्स की बैक साइड का पैकिंग दोस्तों ये स्टेप से है। और यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो फटाक से अब जल्दी से इस बॉक्स को दोस्तों ओपन कर लेते हैं। कटर से मैंने इसका सील को काट दिया। अब इस बॉक्स को मैं जल्दी से ओपन करता हूँ और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइस जल्दी से मैं इस फटाफट इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है इसकी बॉक्स के अंदर की पैकिंग और ये हमारे पास व्हाइट कलर का इसका एयरबड है। और इस एयरबड को हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है और क्या क्या एसेसरीज के साथ में मिलने वाला है। तो जल्दी से मैं इस चीज़ को निकाल लेके साइड कर लेता हूँ। तो गाइस ये मैंने सब कुछ निकाल दिया और आपको सबसे पहले एक मैनुअल मिल जाता है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग केबल है जो कि यूएसबी टाइप सी है इस एयरबड केस को चार्ज करने के लिए। और उसके बाद आता है हमारे पास ये एयरबड का केस और साथ में एयरबड। तो दोस्तों इसके अलावा आपको इस बॉक्स में और कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ये हमारा चार्जिंग केबल ही काम में आएगा और बाकी का मैनुअल वगैरह कुछ नहीं। तो गाइस अब करते हैं इस एयरबड चार्जिंग केस का ओवरव्यू। तो गाइस ये हमारे पास व्हाइट कलर का है और काफ़ी प्यारा सा छोटा सा शाइनिंग व्हाइट कलर के साथ है। और इसका बैक लुक है दोस्तों काफ़ी ग्लोसी है ये और काफ़ी स्मॉल साइज़ का भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और नीचे की तरफ यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग जैक है जहाँ से हम इसको चार्ज करेंगे। तो गाइस ये जो ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे ये ढक्कन है, इसको खोलते हैं यहाँ पे वाओ क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे एलईडी लाइट डिस्प्ले है जहाँ कि हमें इसे बैटरी का परसेंटेज पता लग जा रहा है कि हमारा जो ये केस है वो कितना फुल चार्ज है या नहीं। तो गाइस ये देखिए इसका ओवरव्यू काफ़ी अच्छा है और वाइट कलर है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है दोस्तों वाइट कलर में। अब हम इसके जो एयरबड है उसको निकाल लेते हैं और देखते हैं कि एयरबड जो है वो कैसा। अरे क्या बात है दोस्तों, ये इतना लाइट, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा कलरफुल लाइट इतना ब्राइट से चमकेगा दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, बाकी दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके एयरबड के, तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ का है दोस्तों। और ये जो लाइट है ना, बस मुझे इससे इरिटेटेड है और किसी चीज़ से नहीं, ये इतना लाइट चमकना नहीं चाहिए सर, थोड़ा चमकता लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम इसके एयरबड में। तो गाइज़ ये हमारा एयरबड बहुत ही स्मॉल साइज़ का है और काफ़ी कम्फर्टेबल है, मैंने इसे पर्सनली यूज़ करके देखा है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो गाइस ये जो एयरबड है ये टच कंट्रोल के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज के अंदर में आपको एक एयरबड मिल जाता है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, प्लस ये टच कंट्रोल के साथ और यूनिवर्सल फिटिंग है दोस्तों। और ये बड्स में जैसे इतना छोटा सा साइज है दोस्तों और काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर यहाँ पर ये लाइट चमकदार लाइट ना होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता दोस्तों। इसमें ये लाइट थोड़ा सा कम कर देते तो जाहिर ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला था। ये लाइट इसकी थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगा, बाकी ओवर द ऑल मैं बोलूँ दोस्तों ये बर्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे फ़िलहाल खुद। तो गाइस जब बर्ड्स के बारे में, तो गाइस ये जो बर्ड्स है इसमें 13 mm के ड्राइवर लगे हैं और बाकी जो म्यूज़िक क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा दोस्तों। और इसमें रखते ही ये जो बर्ड्स है हमारा वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है, यानी कि हम इस केस में से जो निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक चार्ज ऑन हो जाता है और फ़ोन में पेयरिंग मोड पे कनेक्ट हो जाता है। तो इसके जो फीचर मैं आप सबको कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूं, तो गाइस जो हमारा जो एयरबड यहाँ से आपको टच करके आप अपने कॉल को अटेंड कर सकते हो और म्यूज़िक को पॉज प्ले भी कर सकते हो, काफ़ी सारे फंक्शन इस टच के साथ कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट भी दोस्तों। और अब बात करते हैं इसका जो प्ले टाइम है दोस्तों, जो इस बर्ड्स का अगर हम प्ले टाइम की बात करें तो 2.5 आवर्स प्ले टाइम, यानी कि 2.5 घंटे आराम से इसको म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। और फुल पूरा ऑल बात करें दोस्तों विद केस के साथ तो 12 घंटे तक इसका प्ले टाइम है जो कि कंपनी दावा करती है। तो गाइस आप सबको ये बर्ड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना।